पिछले साल लॉकडाउन के पहले 2-3 दिन पहले मेरा कंप्यूटर का ग्राफिक्स कार्ड उड़ गया था। एक्चुअल में हुआ क्या था कि मेरे घर पे लाइट चली गई और अचानक से कंप्यूटर चालू था और लाइट चली गई तो कंप्यूटर बंद हो गया और कंप्यूटर चालू किया था उसके बाद कंप्यूटर चालू ही नहीं हुआ। ग्राफिक्स कार्ड पूरा उड़ गया। ग्राफिक्स कार्ड निकाल के मैंने डायरेक्ट मदरबोर्ड में विजय केबल लगाया तो चालू हो गया। तब मेरे को पता चल गया था कि मेरा कंप्यूटर का ग्राफिक्स कार्ड उड़ गया और वो लाइट चली गई। तो उससे पहले मेरे कंप्यूटर में मैंने UPS जॉइंट नहीं किया था। उसके बाद मैंने UPS ये वाला लाके लगा दिया बट मेरा तो नुकसान हो गया, पूरा ग्राफिक्स कार्ड उड़ गया। तो अभी 1 साल से मैं ग्राफिक्स कार्ड बिना ही कंप्यूटर चला रहा था, एडिटिंग भी ग्राफिक्स कार्ड बिना ही कर रहा था। तो उसमें क्या होता था कि रेंडर में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था और जब मैं एडिटिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर में फाइल इंपोर्ट करता था तो खासकर GoPro की और DJI की फाइल रियल टाइम प्ले नहीं हो रही थी, उसमें भी बफर ले रहा था। तो मेरे को एडिटिंग करने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही थी और उसमें बिट टू बिट एडिटिंग करना होता था, वो एडिटिंग बिल्कुल नहीं कर सकता था और रेंडर में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। और मेरे को कंप्यूटर भी चेंज करना था 1 साल से, बट ये लॉकडाउन आ गया, थोड़ा कंडीशन खराब हो गई तो कंप्यूटर मैंने चेंज नहीं किया। बट फाइनली मैंने अभी ASUS का ग्राफिक्स कार्ड मैंने मंगवा लिया है। तो ये ग्राफिक्स कार्ड है Zephyrox GT710 ग्राफिक्स कार्ड मैंने मंगवा लिया है, कल ही आ गया था। इससे क्या होगा कि जो मेरा बफरिंग होता था सॉफ्टवेयर में रियल टाइम फाइल प्ले नहीं होती थी, वो इससे अटैच करूंगा तो रियल टाइम फाइल प्ले होगी और कट टू कट एडिटिंग, बिट टू बिट एडिटिंग करने में थोड़ा मेरे को मज़ा आएगा और रेंडर में थोड़ा कुछ टाइम बचेगा, बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ा ही टाइम बचेगा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट जो रियल टाइम प्ले करना था मेरे को फाइल, इसीलिए मैंने थोड़ा सस्ता वाला मंगवा लिया है। आगे कंप्यूटर चेंज करेंगे तो महंगा वाला लगा देंगे। और ये ग्राफिक्स कार्ड चेंज करने से पहले मैं एक GoPro की फाइल में अंदर सॉफ्टवेयर में इम्पोर्ट करता हूँ और बिना ग्राफिक्स कार्ड के मैं उसको रेंडर करता हूँ तो कितना टाइम लेता है, उसके बाद ये ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल करूँगा और वही फाइल सेम टू सेम उसको मैं रेंडर करने लगाऊंगा तो वो कितना टाइम लेता है, और दोनों पहले जो बिना ग्राफिक्स कार्ड की फाइल रेंडर की थी वो टाइमिंग और ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल करने के बाद की जो टाइमिंग है उसको मैं कंपेरिजन करूँगा, तब मेरे को पता चलेगा कि कितना टाइम बचा था है और एडिटिंग में भी रियल टाइम प्ले फाइल होती है कि नहीं होती है वो भी देख लेते हैं। और वैसे ये खासकर GoPro की और DJI की फाइल ही रियल टाइम प्ले नहीं होती, बाकी तो सब प्ले हो जाती है। अभी GoPro की फाइल मैंने इंपोर्ट कर दी है और टाइमलाइन पे भी मैंने रख दी, और ये फाइल 2 मिनट 33 सेकंड की फाइल है और स्टार्टिंग से एंड तक मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया है। और अभी इसको मैं करता हूँ एक्सपोर्ट और मैं करूँगा MPEG में एक्सपोर्ट और बीट रेट में थोड़ा ज़्यादा रखूँगा, तो यहाँ पर मैं रखूँगा जो ज़्यादा ही कर लेता हूँ। और अभी इसको डेस्कटॉप में मैं एक्सपोर्ट करूँगा 001 नाम की फाइल देता हूँ और चेक करते कि कितना टाइम लेता है। एस्टिमेटेड टाइम अभी बहुत कम दिखा रहा है बट अभी देखेंगे आगे कितना टाइम लेता है। तो जैसे आपने देखा अभी जो 2 मिनट और 33 सेकंड की फाइल को रेंडर होने में कम 9 मिनट लग गया है और ये ग्राफिक्स कार्ड बिना का जो टाइमिंग एस्टिमेट था ये वाला था। और अभी मैं क्या करता हूँ उसको पहले अनबॉक्सिंग करता हूँ ग्राफिक्स कार्ड को और इंस्टॉल करता हूँ और फिर से वही फाइल मैं एक्सपोर्ट करूँगा वही सेटिंग पे और देखता हूँ उसमें कितना टाइमिंग लगता है और नया टाइम और पुराना टाइम का एवरेज निकलता हूँ। उसके बाद चेक कर लेते हैं कि कितना डिफरेंट आता है, ज़्यादा डिफरेंट आएगा तो अच्छा है और बफरिंग का जो सॉल्यूशन है वो भी मिल जाएगा तो एडिटिंग में ज़्यादा मजा आएगा। तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं। संभाल के मैंने निकाला फिर भी फट गया। तो ये रहा फर्स्ट इम्प्रेशन, तो ऐसा कुछ दिख रहा है स्टार्टिंग में। और सबसे पहले आ गया ग्राफिक्स कार्ड और दिखने में थोड़ा सिंपल है क्योंकि सस्ता वाला है और एक्चुअली में ये मेरे को पड़ा Zephyrox GT710 मेरे को 3500 रुपये के आसपास मेरे को पड़ा है। तो ये रहा अपना ग्राफिक्स कार्ड, कुछ ऐसा दिखता है। फाइनली मैंने ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। ये रहा, मैंने यहाँ पे एक लाइट भी रखी है क्योंकि मेरे को ये पता चले अंदर का कैसा सिस्टम है।
तो यहाँ पे मैंने ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल कर दिया और यहाँ पे कंप्यूटर कंप्लीट चालू हो गया। इसको सबसे पहले अभी करना पड़ेगा ग्राफिक्स कार्ड के जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो फाइनली ग्राफिक्स कार्ड के ड्राइवर इंस्टॉल कर दिया है और कंप्यूटर मैंने रिस्टार्ट कर दिया है। पहले जो फाइल मैंने रेंडर करी थी वही फाइल मैं रिपीट रेंडर करता हूँ। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जो ग्राफिक्स कार्ड मैंने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया वो बिल्कुल ही चलता नहीं है। ऊपर से जो स्पीड पहले थी वही स्पीड पे अभी काम कर रहा है कंप्यूटर में, कोई डिफरेंट नहीं आया। एक मिनट का भी डिफरेंट नहीं पड़ रहा है, 30-40 सेकंड का डिफरेंट पड़ रहा है एक्सपोर्ट रेंडर में। और जो बफरिंग का जो सेटिंग था वो बफर भी हो ही रहा है, पहले भी हो रहा था अभी भी हो रहा है। तो ये ग्राफिक्स कार्ड सही से अटैच नहीं हुआ है या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में मेरे को कोई प्रॉब्लम हुई है वो एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं है। बट जिससे मैंने लिया था और जो मेरा कंप्यूटर इंजीनियर है उससे बात हो गई, उसने बोला आज वैसे सैटरडे है तो उसने बोला मंडे को आ जाना, देख लेंगे एक बार, अगर नहीं होगा तो चेंज कर देंगे, दूसरा हैवी डालेंगे, या सोचूंगा कुछ नहीं होगा तो फिर मैं इसी चेंज कर दूंगा। ये मैंने फैसला ले लिया है तो कुछ ऐसा हुआ है तो पूरा दिन आज तो बिगड़ा ही है। जैसे मेरा कंप्यूटर सही हो जाएगा उसके बाद लगातार मोटो ब्लॉगिंग के ब्लॉग आते रहेंगे। मेन प्रॉब्लम क्या है कि GoPro की फाइल मेरे कंप्यूटर में बफर हो रही है, एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए ये सब ब्लॉग नहीं आ रहा है। YouTube अभी इसलिए ठंडा है, बट करेंगे अभी कुछ।